शुक्ला का बच्चा पुजारी बन सकता है। आई एम शुक्ला। अम्बड़ का बच्चा पुजारी बन सकता है। नाम है आपका? क्या नाम है आपका? लोकू शुक्ला। क्या नाम है आपका? गौतम मित्र। चमार, जमादार, कटियार सब जाते, इनको पुजारी बनने का अधिकार क्यों नहीं है मंदिरों में? बात तो सही है तेरे, ब्राह्मणों का ही पुजारी बनने का अधिकार, यही पढ़ते लिखते और कोई नहीं पढ़ता लिखता ना। तुम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते। तुम सोच रहे हो कि तुम लोग पुजारी बन जाओ, दलित पिछड़े पुजारी बन जाए और ये जाकर तुम्हारी नाली साफ करें। क्या बात कर रहे हैं? यादव समाज के लोग एक कह रहे हैं कि अब हम ब्राह्मणों से कर्मकांड नहीं कराएंगे। मैं उसको इस्लाम की औलाद मान। क्या बात करते हैं यार, खोपड़ी तोड़ साले का। संतों के आशीर्वाद से बचे हुए हैं, संतों के आशीर्वाद से दुकान चल रही है, दुकान चल रही है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, जिसे खाकर एक गैंडे की तरह मोटे हो जाते हैं। अम्बड़ का बच्चा पुजारी बन सकता है, शुक्ला का बच्चा पुजारी बन सकता है, त्रिवेदी पुजारी बन सकता है, लोधी, पासी, चमार, जमादार, कटियार पता नहीं कितने जाते, इनको पुजारी बनने का अधिकार क्यों नहीं है मंदिरों में? सिर्फ ब्राह्मणों का ही पुजारी बनने का अधिकार, यही पढ़ते लिखते और कोई नहीं पढ़ता लिखता ना। तुम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते, पूछो क्यों? क्योंकि तुम लोग एक नंबर के गधे और बेवकूफ हो। क्योंकि तुमने अभी क्या कहा कि दलित पिछड़ों को पुजारी नहीं बनाते हैं। भैया अगर कल को तुम पुजारी बन जाओगे तो फिर इनकी गुलामी कौन करेगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। इनका सेवा कौन करेगा? इनको सर पे उठा के कौन ढोएगा? इनको सलामी कौन करेगा? तुम सोच रहे हो कि तुम लोग पुजारी बन जाओ, दलित पिछड़े पुजारी बन जाए और ये जाकर तुम्हारी नाली साफ करें? क्या बात करते हैं यार? भैया ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि जिसे तुम धर्म समझते हो ना, वह इन पंडा पुजारियों के लिए धंधा है। बड़ी अच्छी बात कही है। हम लोग समर्थन करना छोड़ देंगे ना, तो चमत्कार उमत्कार बहुत जो दिखा रहे हैं ना, ये सारे चमत्कार धरे रह जाएंगे। आसाराम बहुत चमत्कार दिखाते रहे, ये चमत्कार काम नहीं देगा। संतों के आशीर्वाद से बचे हुए हैं, संतों के आशीर्वाद से दुकान चल रही है, दुकान चल रही है। और ऐसा धंधा जो कभी मंदा नहीं होता तुम जैसे चूतियों की वजह से। क्या साबित करना चाहता है तू? क्योंकि तुम लोगों की नजरों में जो धर्म दिखाई देता है ना, उस धर्म के आधार पर यह लोग मंदिर नुमा एक आलीशान घर बनाते हैं, उसमें एक पत्थर की मूर्ति लगाते हैं, बगल में एसी लगवाते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। फिर भगवान के नाम पर अच्छे अच्छे फल फूल आते हैं, स्वाद से भरपूर पकवान आते हैं, जिसे खाकर एक गैंडे की तरह मोटे हो जाते हैं। व्यवस्था के नाम पर पैसा आता है। अब तुम सोच रहे हो कि तुम पुजारी बन जाओ ताकि इनकी ऐसी सुख सुविधा और व्यवस्था खत्म हो जाए। क्या बात करते हैं यार? अरे भाई, जिस दान पेटियों को लूटने के लिए इन लोगों ने धर्म नाम की दीवार बना रखी है, तुम सोच रहे हो कि उस दान पेटियों में तुम्हारा भी हिस्सा हो जाए? भैया ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम लोगों के लिए ना इनके अंदर एक क्लियर फंडा है कि जब कहीं हिंसा करानी हो और दंगा फैलाना हो तब दलित पिछड़ों को हृदय से हिंदू मान लो, लेकिन जब ये हक अधिकारों की बात करें ना, तब इन्हें हिंदू का अंश मानने से भी साफ इनकार कर दो। यादव समाज के लोग एक कह रहे हैं कि अब हम ब्राह्मणों से कर्मकांड नहीं कराएंगे। मैं उसको इस्लाम की औलाद मानता हूँ। क्या बात करते हैं यार, खोपड़ी तोड़ साले का। ताकि इनकी सदियों से परंपरा के नाम पर चली आ रही व्यवस्था छिड़ ना हो जाए, धूमिल ना हो जाए, ठीक है? और चलो मान लो अगर तुम लोग दलित पिछड़े पुजारी बनना चाहते हो, तो भाई पुजारी बनने के लिए वेद पुराण धर्मशास्त्र पढ़ना पड़ता है ना? लेकिन यहाँ भी इन लोगों ने एक टांग फंसा रखी है कि धर्मशास्त्र का ज्ञान, वेद पुराण का ज्ञान केवल शुक्ला, त्रिपाठी, मिश्रा इन्हीं लोगों को मतलब देना दिया जाना चाहिए। आर्यन शुक्ला। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? संभव कुमार पाठक। क्या नाम है आपका? लोकू शुक्ला। तो क्या नाम है आपका? गौतम मिश्रा। ये क्या है? ताकि दलित पिछड़ों को, ठीक है, क्योंकि अगर कल को दलित पिछड़े धर्मशास्त्र पढ़ लेंगे तो इनके धंधे के बारे में पता हो जाएगा, तो बेचारों की दुकान बंद हो जाएगी। बात तो सही है। तो फिर बेचारे कहाँ जाएंगे भाई, कहाँ जाएंगे? इनकी दुकानें बंद हो जाएगी, ये तो खाए बिना मर जाएंगे। कहना क्या चाह रहे हैं भैया? क्योंकि जिन लोगों ने 5000 सालों में कभी एक घर भी नहीं टाली हो, अगर उनकी व्यवस्था छीन ली जाए तो बेचारे वो तो भूख से तड़पड़ा जाएंगे ना। और वैसे भी तुम जैसे बेवकूफ लोग सदियों से इन लोगों को भगवान बना रखे हैं, ब्राह्मण, देवता। तो भैया जब इन लोगों को तुम देवता बना रखे हो तो क्यों पुजारी बनकर इनकी व्यवस्था छीनकर इनका हक अधिकार मारकर तुम लोग नरक में जाना चाहते हो? मैं देखो तुम लोग को एक क्लियर फंडा बताना चाहता हूँ।
तुम जैसे दलित पिछड़ों को कि भैया ये पुजारी पुजारी का मतलब चक्कर छोड़ो, तुम गुलाम थे, तुम लोग गुलामी अच्छे हो, ठीक है।